कांग्रेस को मिली बड़ी जीत, बीजेपी बुरी तरीके से हारी, बीजेपी में मचा है पूरा हड़कंप। बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने बगावत करके महाविकास अघाड़ी सरकार गिरा दी थी। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का यह महागठबंधन मजबूत ही है। महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने 2 सीट पर जीत हासिल की है तो बीजेपी को सिर्फ 1 ही सीट पर जीत मिली है। वहीं नासिक में सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिलने से 5 सीटों में बीजेपी सिर्फ 1 ही सीट पर सिमट गई है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका नागपुर में लगा है और वो 5 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। नागपुर इस समय महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का क्षेत्र है। इसके बावजूद यहां उसे हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानेश्वर को कोंकण मंडल शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र से विजय घोषित किया। स्नातक नासिक निर्वाचक क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी सत्यजीत तांबे विजयी रहे। उन्होंने एमबीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार शुभांगी पाटिल को हराया। नागपुर मंडल शिक्षक सीट पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को विपक्षी महाविकास अघाड़ी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि नागपुर में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया। अधिकारियों ने बताया कि एमवीए समर्थित उम्मीदवार सुधार अड़बेले ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नागौर गनार को हराकर नागपुर शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र से जीत हासिल की। बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी गनार इस सीट से मौजूद एमएलसी हैं। नागपुर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृह जिला है। आपको बता दें कि विधानमंडल के उच्च सदन के सभी 5 सीटों के लिए मतदान 30 जनवरी को हुआ और मतगणना गुरुवार सुबह शुरू हुई। बीजेपी उम्मीदवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली पार्टी बाला साहेब बांची शिवसेना का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने कोंकण सीट पर एमवीए समर्थित उम्मीदवार बलराम पाटिल को हराया। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।